नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, सुनो भारत में आप सभी का स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर एक से आ रही है। जी हाँ, नोएडा सेक्टर एक के पंजाब नेशनल बैंक में लगभग आधा दर्जन लुटेरों ने लूट की फिराक से दो सिक्योरिटी गार्डों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार देर रात में इन आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की फिराक में बैंक में हमला बोला, और जैसे ही सिक्योरिटी गार्डों ने गार्ड रूम से वापसी हमला किया तो जो हथियारबंद बदमाश थे लगभग उन पर लोहे की रॉड और सरिया वगैरह से उन्होंने उन गार्डों की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जो बैंक का बेसमेंट था जिसमें स्ट्रांग रूम था और ग्राउंड फ्लोर पर जिस पर ऑफिस रूम था, वो लोग वहां पर पहुंचे और जो लुटेरे थे वो इतने चालाक बनने की कोशिश की कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर जो मैनेजर रूम था वहाँ से DVR भी चोरी किया। पर वहाँ पर दो DVR मौजूद थे और वो एक ही लेकर जा पाए, जिसके चलते चोरों की लगभग रात के 2:06 तक की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जितने भी बदमाश थे वो सभी के सभी नकाब पहने हुए थे। सुबह 7:30 बैंक के माली राम अचल बैंक पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोलने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने बैंक प्रबंधक प्रविंदर कुमार को फ़ोन किया और वो वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी देखा स्थिति को गंभीर समझते हुए पुलिस को तुरंत फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने गेट को तोड़ा, देखा कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जो शव थे वो खून में लथपथ मिले। उन्होंने फौरन उन्हें जिला अस्पताल भेजा और जिला अस्पताल में उनको मृत घोषित किया गया। फिर तहकीकात में उनके बारे में पता चला कि जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे, एक मुकेश यादव जो कि मैनपुरी से थे और मुंद्रिका प्रसाद जो कि बिहार से थे, दोनों के परिजनों को यहाँ दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में रोका गया। और जब ये सारी चीज़ें पता पड़ी तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर वारदात पर SSP डॉक्टर अजय पाल शर्मा और SP City अरुण कुमार सिंह दोनों ही मौजूद रहे। और इस पूरी की पूरी वारदात की जो रिपोर्ट है वो सेक्टर 20 थाने में दर्ज की जा चुकी है। और देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन या क्राइम ब्रांच में जिसको रिपोर्ट को पहुँचाने की बात की जा रही है, आगे क्या एक्शन होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जिसके तहत इनकी सिक्योरिटी के तहत जो दो सिक्योरिटी गार्ड मारे गए हैं, इनकी सबको इज्जत के साथ वहां पहुंचाया जाए और इनके परिवार परिजनों के लिए बैंक क्या करता है, क्या इनके परिजनों में से किसी को वो नौकरी देगा या कुछ भी इसी तरह की सहायता। क्योंकि बताया जा रहा है पिछले 6-7 साल से लगभग ये इसी बैंक में बड़ी ही ईमानदारी से काम कर रहे थे और आज ये इस बैंक के लिए ही एक तरीके से कहा जा सकता है शहीद हो गए। तो देखते हैं आगे इस रिपोर्ट में क्या होता है। मैं अभिषेक सिंह, सुनो भारत के साथ, धन्यवाद।